और आप ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी आपके कार्यक्रम की? सर्वप्रथम सुबह 16 सितंबर 2023 को मनसा कॉलेज उदयपुर वाटी में ब्लड कैंप का आयोजन किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो भी डोनर हैं, जो ब्लड देना चाहते हैं, वो सभी साथी वहाँ पहुँचे। उसके पश्चात 1 बजे से घाट से शुरू वाहन रैली शुरू की जाएगी, जो साकमरी गेट, घूमचक्कर, सब्जी मंडी, 3 नंबर चुंगी होते हुए मनसा कॉलेज जाएगी। कितने लोगों की आने की संभावना है इस पूरी रैली में? रैली का तो ऐसा, जो अपने मिलने वाले हैं, साथ वाले, उन सबको बोला है, और उदयपुर वाटी के युवाओं में इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर काफ़ी उत्साह है, तो काफ़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कितने दिन से आप तैयारियों में लगे हुए हैं ब्लड रक्तदान शिविर को लेकर? वैसे तो हमारे जो प्रेरक हैं डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, उनकी प्रेरणा से हमें ब्लड कैंप लगाते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। पिछले 8-10 सालों से हम लगातार ब्लड कैंप का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस बार सामने चुनावी सीजन होते हुए हमने ब्लड कैंप का थोड़ा पहले आयोजन किया है। तो 8-10 साल से हमारी टीम लगी हुई है, संपूर्ण राजस्थान में जगह जगह ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है, ताकि ब्लड के अभाव में किसी भी मरीज की जान ना जाए और जिसको भी जरूरतमंद हो उसको ब्लड सही समय पर उपलब्ध हो जाए। कितने दिन एकत्रित होने की संभावना है जता रहे हो? 500 यूनिट के आसपास ब्लड एकत्रित होने की संभावना है। आपकी जो वाहन रैली निकलेगी उसका रास्ते में कहीं स्वागत का कार्यक्रम भी है क्या इसमें? जी बिल्कुल, साकमरी गेट, घूमचक्कर और 3 नंबर चुंगी और मनसा कॉलेज के बाहर चारों जगह स्वागत की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य अतिथि कौन कौन रहेंगे आपके कार्यक्रम के? मुख्य अतिथि माननीय हम सब के चहेते डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, मुख्यमंत्री सलाहकार, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुधेंद्र जी मूंड कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। थैंक यू।